फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम रात की बची हुई खिचड़ी से मुठिया बनाएंगे, खिचड़ी मुठिया। ये देखिए, ये मेरी बची हुई खिचड़ी है। ये डाल ली हमने इसमें। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। दो बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें बेसन डाला है। ये एक कप के करीब हमारी खिचड़ी है। और एक बड़ा चम्मच गेहूं का आटा, सबको मिक्स करके जैसे हम आटा लगाते हैं ना, उस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और अगर आपको आपकी खिचड़ी पतली है और ऐसा लगे कि आटा जैसा नहीं लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा आटा और डाल लें। ऐसा कोई नाप नहीं है इसका, बस हमें बेसन और आटा इतना डालना है कि अच्छे से इसका, जैसे रोटी का आटा नहीं लगाते उस टाइप से इसका आटा लग जाए। इसमें मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा सा। खिचड़ी में पहले से ही नमक है तो आप अपने हिसाब से डालें। लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी अजवाइन। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बेसन और डालेंगे, एक चम्मच बेसन हमने और डाला है। हमने इसमें तीन बड़े चम्मच बेसन और एक बड़ा चम्मच आटा डाला है। अब हम इसको अच्छे से शेप देंगे, जैसे हम गट्टे बनाते हैं ना, उस टाइप से हम इसको रोल करके और स्टीम करेंगे। अब ये देखिए, अब हम इसके इस तरह से रोल बनाकर स्टीम करेंगे। ये हम इसमें स्टीम करेंगे तो हम इस पर ऑयल लगा देते हैं जिससे ये चिपके नहीं। स्टीमर मैंने गरम करने रख दिया है। ऐसे हम सारे बनाकर इसमें रख देंगे। स्टीमर हमारा गर्म हो रहा है, इनको रख देते हैं और अच्छे से स्टीम होने देते हैं। चेक करते हैं, देखिए बिल्कुल भी एकदम स्टीम हो गई है हमारी मुठिया। अब हम इनको निकाल लेते हैं। निकाल के इनको ठंडा कर लेंगे। ये थोड़े ठंडे हो गए हैं तो हम इनके इस तरह से पीसेस काट लेंगे। आप अपने हिसाब से अपने साइज के पीस काट लें। देखिए कितनी अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं, टेस्टी और हेल्दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। ये करी पत्ते हैं थोड़े से। ये देखिए पैन रख दिया है हमने, तड़का पैन। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। आप चाहें तो इन मुठिया को ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बड़े टेस्टी लग रहे हैं, पर लेकिन आप इस पर तड़का लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे।
एक चम्मच राई, राई तड़क रही है हमारी, करी पत्ता डाल दें, गैस बंद कर देती हूँ मैं। एक चम्मच सफेद तिल और अब हम ये सब इस अपने मुठिया पर डाल देते हैं। और ऊपर से ये नींबू का रस। तो ये देखिए तैयार है टेस्टी और हेल्दी नाश्ता खिचड़ी मुठिया। आप बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।